आगे से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रों ने यूनिवर्सिटी में फीस और डाइनिंग हॉल की फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर वाइस चांसलर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि 2 साल से यूनिवर्सिटी बंद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गरीब घर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए थोड़ी सी भी फीस बढ़ जाना बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। इसलिए हमारे प्रशासन से डिमांड है कि वह बढ़ी हुई फीस को वापस लें, वरना हम एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। हमने ये प्रोटेस्ट मार्च इसलिए किया है कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फीस को जो वृद्धि कर दी गई है, जैसे प्रोफेशनल कोर्स में, डिस्टेंस कोर्स में और अदर कोर्सेज हैं जिनमें 100, 200, 500, 1000 तकरीबन बढ़ाए गए हैं, और बहुत से ऐसे कोर्स हैं जहां 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो मैंने ये वाइस चांसलर साहब के लिए एक मेमोरेंडम जो है दिया है। हमारी डिमांड है कि जहाँ जहाँ भी फीस बढ़ाई गई है उनको कम किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ मीडियम क्लास का आता है और आप इतनी फीस बढ़ा देंगे तो स्टूडेंट पर एक बोझ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी अमीर लोगों के बच्चे नहीं पढ़ने आते। इसमें 95% सब गरीबों के बच्चे।